नमस्कार, बीएनएम संवाद में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा की अंगीभूत इकाई ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा में 4 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर अर्थात एनसीसी में नामांकन के लिए लिखित तथा शारीरिक परीक्षा संपन्न हुई। इसमें कुल 125 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, जिनमें से 70 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। एनसीसी पदाधिकारी लेफ्टिनेंट गुड्डू कुमार ने बताया कि सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को 25-25 ग्रुप में 5 सेक्शन में बांटा गया और सबों को चेस्ट नंबर दिया गया। तदुपरांत चयन प्रक्रिया शुरू हुई। परीक्षा कुल 100 अंक की हुई। इसमें 1 घंटे लिखित परीक्षा 50 अंक की थी। लिखित परीक्षा लेने का मुख्य उद्देश्य था कि एनसीसी में मेधावी विद्यार्थी नामांकन लें, जिससे कि उन्हें सेना में सिपाही के अलावा ऑफिसर रैंक के लिए भी तैयार किया जा सके। लिखित परीक्षा के बाद 50 अंकों की शारीरिक परीक्षा हुई। सभी विद्यार्थियों का हवलदार जितेंद्र द्वारा हाइट लिया गया और सुबेदार परमिंदर सिंह द्वारा मेडिकल परीक्षण किया गया। मेडिकल में अनफिट पाए जाने वाले विद्यार्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। विद्यार्थियों का बीएन मंडल स्टेडियम में दौड़ लिया गया। उसके बाद सभी बच्चे को पुशअप कराया गया। अत्यधिक गर्मी के कारण सीट अप को छोड़ दिया गया। सभी बच्चे को उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें दौड़ तथा पुशअप में नंबर दिया गया। लिखित तथा शारीरिक परीक्षा के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। लेफ्टिनेंट कुमार ने बताया कि इस परीक्षा का रिजल्ट 5 सितंबर 2021 की शाम तक घोषित किया जाएगा। सभी चुने हुए विद्यार्थियों को एनसीसी कार्यालय में आकर 6 सितंबर 2021 को अपना नामांकन कराना होगा। इसके लिए 6 फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ब्लड ग्रुप, नामांकन रसीद, वर्ग दसवीं का अंक पत्र लाना अनिवार्य है। मालूम हो कि पूरी चयन प्रक्रिया कमांडिंग ऑफिसर देवाशीष सिंह के निर्देशानुसार संपन्न हुई। इसमें एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट गुड्डू कुमार, सुबेदार परमिंदर तथा हवलदार जितेंद्र ने विशेष भूमिका निभाई। साथ ही व्यवस्था बनाए रखने में सीनियर कैडेट्स एसयूओ हिमांशु, ईओ अनु, रिम्मी प्रकाश, सार्जेंट कुंदन सत्यम के साथ कुल 20 कैडेट्स और पूर्व कैडेट सौरभ, अभिषेक, रंजीत एवं सूरज प्रताप आदि ने सहयोग किया। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर केपी यादव ने आशा व्यक्त की है कि एनसीसी के सभी विद्यार्थी समाज एवं राष्ट्र में अपना योगदान देंगे, साथ ही महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। इस अवसर पर अर्थपाल डॉक्टर ए के मल्लिक, गणित विभागाध्यक्ष डॉक्टर एम एस पाठक, उर्दू विभागाध्यक्ष डॉक्टर एम आलम, हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीना कुमारी, सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर जवाहर पासवान, दर्शन शास्त्र विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु शेखर, एनसीसी पदाधिकारी लेफ्टिनेंट गुड्डू कुमार, डॉक्टर विजया कुमारी, डॉक्टर रोहिणी कुमारी, डॉक्टर प्रकृति कुमारी, डॉक्टर यास्मीन रशीदी आदि उपस्थित थे। आप सबों से सादर अनुरोध है कि आप बीएनएम संवाद को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।